बीएससी नर्सिंग सिलेबस 2023, ऐसे तमाम स्टूडेंट जो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम 2023 में कर रहे हैं या आगे करेंगे, उन तमाम स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो खास रहने वाली है। देखो स्टूडेंट, जो 2023 में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी लागू हो चुकी है। जो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का जो आपका प्रोग्राम है, सेमेस्टर वाइज रहने वाला है। जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट को पता है, बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का प्रोग्राम रहता है। जो टोटल सेमेस्टर यहाँ पे आपके रहने वाले 8 सेमेस्टर आपके रहेंगे। 8 सेमेस्टर में आपका फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर, थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर और फोर्थ ईयर में 2 सेमेस्टर। टोटल जो सेमेस्टर आपके रहने वाले हैं, 8 सेमेस्टर रहने वाले हैं। सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि ये पीडीएफ आपको कहाँ से प्रोवाइड होगी। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर रहने वाला है, पेपर फर्स्ट आपका जनरल साइंस, सेकेंड सब्जेक्ट आपका रहने वाला है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, थर्ड सब्जेक्ट आपका अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, फोर्थ सब्जेक्ट यहाँ पर आपका रहने वाला है अप्लाइड सोशोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, और फिफ्थ पेपर आपका जो रहने वाला है नर्सिंग फाउंडेशंस फर्स्ट। सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं, जो पेपर आपका रहने वाला है अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटीज, और थर्ड सब्जेक्ट आपका यहाँ पर रहने वाला है नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड इंक्लूडिंग फर्स्ट एड मॉड्यूल, और फोर्थ सब्जेक्ट आपका रहने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंक्लूडिंग हेल्थ केयर पॉलिसी एंड रेगुलेशन एंड एनवायरमेंटल साइंस। इसके बाद आपका जो यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर रहने वाला है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी, सेकंड पेपर आपका थर्ड सेमेस्टर में रहने वाला है फार्माकोलॉजी फर्स्ट, थर्ड पेपर आपका पैथोलॉजी, फोर्थ पेपर आपका एडल्ट हेल्थ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आई विद इंटीग्रेटेड पैथोलॉजी, और यहाँ पे पाँचवा पेपर जो आपका रहने वाला है प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनल वैल्यूज एंड इथिक्स इंक्लूडिंग बायो इथिक्स, फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर रहने वाला है फार्माकोलॉजी सेकंड, और सेकंड पेपर आपका जो रहने वाला है पैथोलॉजी सेकंड एंड जेनेटिक्स, थर्ड पेपर आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड इंक्लूडिंग जेनेटिक्स नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड पैथा साइकोलॉजी, जो चौथा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑब्लिक नर्सिंग एजुकेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की, फिफ्थ सेमेस्टर में आप पेपर देख सकते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, थर्ड पेपर आप देख सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, फोर्थ पेपर आप देख सकते हैं नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, फिफ्थ पेपर आप देख सकते हैं हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सिक्स पेपर आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमेस्टर पैटर्न आपका यहाँ पे रहने वाला है, सारी चीज़ें आपकी मेंशन कर रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 सेमेस्टर आपका रहने वाला है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी मेंशन कर रखी, जो लास्ट सेमेस्टर आपके यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपका 760 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, सेकंड सेमेस्टर में आप देख सकते हैं 780 मार्क्स का, थर्ड सेमेस्टर में आप देख सकते हैं 800 मार्क्स का, फोर्थ सेमेस्टर में आप देख सकते हैं 800 मार्क्स का, फिफ्थ सेमेस्टर में आप देख सकते हैं 700 मार्क्स का, 790 मार्क्स का, सिक्स सेमेस्टर में आप देख सकते हैं 800 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, सेवन्थ सेमेस्टर आपका 820 मार्क्स का, और 8 सेमेस्टर आपका यहाँ पे इंटर्नशिप रहने वाली है। टोटल जो पेपर आपका रहने वाला है 1056 आपके मार्क्स का पेपर यहाँ पे होने वाला है, देख सकते हैं आप। टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट यहाँ पे, जैसे सेमेस्टर सिस्टम है तो क्रेडिट यहाँ पे 160 क्रेडिट रहने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप टोटल सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखा कि क्या यहाँ पे सेमेस्टर का सिस्टम रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर जनरल साइंस के आपके पास 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है कम्युनिकेटिव, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश का 50, अप्लाइड एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी 100 मार्क्स का, अप्लाइड सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पे सारी चीज़ें इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी कि कितने मार्क्स का आपका कौन सा पेपर रहने वाला है। और अब यहाँ पे बात करते हैं पीडीएफ आपको कहाँ से प्रोवाइड होगी, तो मेरे स्टूडेंट ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक रहता है वहाँ से आप इस पीडीएफ को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपके अनदर क्वेरी इसके रिगार्डिंग, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।